मैं पैदा हुआ था ईस्ट पंजाब में, जलंधर में, जगह नकोदर, वहाँ हमारा गांव था। जब फिर मैं 12 साल का था तो पाकिस्तान वजूद में आ गया, फिर हम आके इधर सेटल हुए। पहले मेरे वालिद साहब मेडिकल सर्विस में थे, वो जंग में सेटल हुए, मैंने वहीं से डिग्री ज्वाइन कर ली। तो 1954 में डॉक्टर का है। तो ये जो सबरीन मुझे हमेशा पूछते हैं कि उस वक्त तो पाकिस्तान के पास कोई आप दोस्त नहीं थी, तो मैं बिल्कुल हल्फों कहता हूँ कि मेरा जो डिविजनल ऑफिसर था डाटमत में, उसका नाम मुझे आज तक याद है, लेफ्टिनेंट हेलो हॉलोवे, वो सबरीन ऑफिसर था। पहले तो उसकी पर्सनैलिटी से मुझे बड़ी अट्रैक्शन हो गई, वो सब मैनर्स अगर हम कहें थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, वेरी अफेक्शनेट, हिज वाइफ वॉज वेरी अफेक्शनेट, हमको घर बुलाना, ये करना, वो करना। फिर मुझे ऐसा ऐसा पता लगा कि सबरीन ऑफिसर है। तो फिर डार्टमथ के दौरान ही एक सबरीन आई और हमें डे ट्रिप उसमें दिया गया। मैं तो फिर आई फेल इन लव विद सबरीन, मैंने कहा मैंने तो सबरीन सर्विस ही ज्वाइन करनी है, तो अभी तो पाकिस्तान के पास सबरीन नहीं थी। फिर उसके बाद डार्टमथ के बाद हम ट्रेनिंग पे आए, ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग चले गए। तो मेरा तो फिर ज़्यादा मेरी सर्विस एयरक्राफ्ट कैरियर में रही, HMS मेलबर्न एंड सिडनी, क्योंकि हमारा बिग शिप टाइम इस तरह। फिर मैंने कोर्सेज वगैरह किए, तो फिर PNS जहांगीर में मेरी अपॉइंटमेंट हुई और ईस्ट पाकिस्तान चिटागोंग में हमारा जहाज बेस था। तो उसके बाद जब हमारा स्टेशन चेंज हुआ, जहांगीर वापस आया, तो थोड़ी देर के बाद 5-6 महीने मेरी सिलेक्शन एज ADC टू प्रेजिडेंट अयूब खान हो गई। जब मैं प्रेसिडेंट अयूब का ADC था तो मुझे थोड़ा फख्र है कि उसी वक्त PNS गाजी प्रेसिडेंट अयूब एक विजिट पे गए हुए थे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि फाइल हमारी साथ गई थी गाजी एक्विजिशन की, जो भी बैकग्राउंड थी, और उन्होंने कैनेडी से बात की, जो थोड़ा बहुत हमें पता लगा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि रॉबर्ट कैनेडी जो उनका भाई था, वो ब्रेकफास्ट के लिए आया उनके साथ, एंड उसने न्यूज़ दी कि वी हैव एग्रीड इन प्रिंसिपल टू लोन यू अ सबरीन, USS Diablo उसने नाम दिया, दिस इज वेरी गुड वेबसाइट। तो फिर मैं अयूब खान का ADC था, और मेरे 2 साल हुए थे, और मेरी एक्सटेंशन हो गई हुई थी 3rd ईयर, बिकॉज नॉर्मली यू ट्रेन, तो ये सबरीन गाजी का क्रू जाना था। तो मैंने उनसे माजरत की, इट्स अ ग्रेट ऑनर। मैंने MS से बात की, उसने कहा भाई मैं तो नहीं कहता हूँ, तुम खुद बात कर लो। तो मैं प्रेजेंट गुड मूड में थे एक दिन गोल्फ के बाद, कि मैं ये समझा कि भाई 2 साल मेरी ट्रेनिंग हो गई है, ये होगा तो प्रेजेंट कहेंगे लुक आई हैव ट्रेन्ड यू दिस दैट, सो व्हाई कांट यू जॉइन व्हेन इट कम्स बैक। तो मैंने समझा कि मैं बहुत पाटेगा हूँ, बट प्रेजिडेंट रियली पुट मी द फ्लोर, मुझे कहते हैं हाँ जाओ यार, एनी फूल कैन डू दिस जॉब। तो मैं गाजी मेरी सेल्फ इम्पोर्टेंस नहीं है, एनीबॉडी एनी फूल कैन डू दिस जॉब, गो अहेड। फिर मैं गाजी में था, उसके बाद 65 वार से मैं XO हो गया, एडमिरल न्याजी CO थे। तो बड़ी बड़ी बात यह है कि हमने एक पेट्रोल किया, क्योंकि ये सितंबर की वॉर थी, उससे पहले हमने एक बॉम्बे के बाहर पेट्रोल किया फर्स्ट टाइम। मैं और हम सब एक सबमरीन में दुश्मन के पानी में फर्स्ट टाइम गए थे। तो पहले कहाँ जाना था, सर्फर शिप बॉम्बे के बाहर गुजर जाए, इधर उधर वगैरह वगैरह, वो तो ठीक है हम करते थे, लेकिन ये बॉम्बे के नज़दीक हम गए। उससे हमारा कौन, वो एक्सरसाइज कर रहे थे, मुझे आज तक याद है INS विक्रत उनका एयरक्राफ्ट कैरियर था, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। भाई साहब वॉज अ वेरी गुड लीडर, उन्होंने पेरिस्कोप में खुद देखा विक्रम, फिर मुझे दिखाया, ऑफिसर्स को दिखाया, सेलर्स को दिखाया, इससे बिल्डअप होता है कॉन्फिडेंस कि हम इतना उनके बड़े जहाज के करीब पहुंच गए हैं, बिल्डअप वेरी गुड, वी सॉ इट, वी गैदर्ड इंटेलिजेंस, सब कुछ। फिर हम वापस आ गए, 6 सितंबर की वॉर पर शुरू हुई, उससे एक दो दिन पहले हम सेल कर गए थे, ये बॉम्बे के बाहर था, और एक हफ्ता हम उधर थे। तो हमारा एक नियर मिस हुआ कि एक जहाज हमारा
स्नॉकल करते या अगर एरोप्लेन था बहुत नजदीक से गुजरा और हमने उसको डिटेक्ट नहीं किया, इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर मास या डिवाइस जो कि उसके रडार को डिटेक्ट करती है वो गड़बड़, हमने चेक किया उसमें पानी चला गया। हमें पर उसके बगैर बहुत देर से पर फोर्स 12 या 13 सितंबर को हम एक दिन के लिए कराची आए, और ये वाक्य मैं आपको बड़े एक फख्र के साथ ऐसे पाकिस्तानी बताऊंगा कि उसकी एक सील लीक कर गई थी, ऐसे डोम था सील लीक कर गई, अमेरिकन एम्बार्गो लग गया था, वो इसने ही थी। हमारे ऑफिसर्स गए, अगर आप कराची में जानते हैं बीच नक्शे के सामने एक नेशनल टायर कंपनी होती थी पुरानी खुद, उस बंदे के पास गए, जज्बा देखो कौन, उस बंदे ने फोरमैन ने कहा सब फिक्र न करें मैं आपको 12 घंटे में ये सील एक नहीं 5 बना के दूंगा और इंशाल्लाह अमेरिकन सील से बेहतर हो। बिल्कुल ठीक, उसने सील बना के दी, पाकिस्तान ने मोल बंद के उसने सील बना दी रबड़ की सील और बेहतर। तो हम वो डाल के फिर वापस सेल की, इस सेल के बाद सब ये बिल्कुल ठीक है कि गाजी साहब ने इनकी वजह से आई थिंक उनके बड़े जहाज को मार दिया, बिल्कुल नहीं आए, अगर थे तो शैलो वाटर में वहां नहीं जाएंगे। बड़ा हमने देखा फ्रस्ट्रेट की, हमने दुआएं मांगी कि या अल्लाह हमें कोई मेहनत का फल दे, कोई लड़के ना मौका दे। फिर आखिर में थर्ड वीक में एक जो हमें लगता है ब्रह्मपुत्र टाइप शिप था जिसमें हमने 4 टोरपीडो फायर किया, ये पेरिस्कोप अटैक था। अब उसकी बड़ी वर्शन है लेकिन मेरी अपनी जजमेंट यह है कि 4 टोरपीडो में से कम 2 या 3 उसको लगे हिट हुई, मेरे ख्याल वॉर एड एक्सप्लोर ने किया। उसके बाद फिर मैं नाइस साहब ट्रांसफर हो गए तो मुझे कमांड मिल गई गाजी की, और उसके बाद रिफिट होने शुरू होने से पहले मैंने यूसुफ रजा जो मेरे बैचमेट भी थे और एक्सो भी थे उनको हैंड ओवर किया और मैं वापस आया। और यहाँ से हम 3 ऑफिसर, क्योंकि डेफिनेट भी आ रही थी ना, हम लोग तो बड़े कम थे, वो वेरी हार्ड वर्क में ये वो ट्रिप में नहीं हम लोग थे, इधर आए वो होश नहीं, फिर उधर जाओ फिर उधर जाओ। मैं फसी बुखारी साहब और कासिम अली खान एक हमारे ऑफिसर थे, हम तीनों फिर पेरिस गए, वहाँ हमने 3 महीने फ्रेंच सीखी और उस फ्रेंच के बाद फिर हम टूरों गए, और वहाँ जितना लिटरेचर था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। मैं टूरों में रहा, आई वॉज डेजिग्नेट सी हंगोर प्लस ग्रुप इन चार्ज फॉर द क्रूज, हमने हंगोर का क्रू भी ट्रेन किया, फिर शुशो का क्रू भी ट्रेन किया। उसके बाद फिर मैं चला गया मैं ब्रेस्ट जहाँ बन रही थी हमारी सबरी हंगोर, पर एक महीने के बाद फिर यूसुफ रजा भी आ गए और हमने 3rd CO को वहाँ इंचार्ज मंगरू खालो साहब को चेक, फिर ब्रेस्ट में हमने सी ट्रायल्स की, फिर हम वापस घर आए शुक्र हम इकट्ठे वापस आए। तो मैंने फिर ऐसे हुआ कि एडमिरल शरीफ इज गॉन, वो जब जा रहे थे इस पाकिस्तान वो बन के फ्लैग ऑफिसर इंचार्ज, मेरे वो ट्रेनिंग ऑफिसर थे जब मिडशिपमैन था, तो मैंने कहा सर क्या है, कहते जंग आ रही है होगी तो अपने आप को वही गिव मी हिंट, तो आई वॉलंटियर। फिर हम अबाउट अगस्त 71 हमने एक पेट्रोल किया बॉम्बे के बाहर, जो एरिया ना बॉम्बे के बाहर, उसमें भी गैदर लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि उस वक्त पानी विंटर में यहाँ सी काम होता है, हम उसको कहते हैं समुद्र का पानी का टेम्परेचर ज़्यादा तब्दील नहीं होता, तो ये सबमरीन के लिए फॉर्मल सुसाइड और डायरेक्ट हो जाती है। वहाँ मुझे 2 इंफॉर्मेशन मिली जो कि बाद में जंग में मेरे बहुत मुझे यूजफुल उनका फ़ायदा हुआ। एक ये थी कि उनका जो एयर प्लेटफॉर्म था वो 3 आते थे, एक का रेडार बड़ा डिफेक्टिव था, 2 के बड़े डिफेक्टिव थे, तो वो हमने उसके सिग्नेचर नोट कर लिए। और वॉर में बाद में जब मुझे स्नॉकलिंग की बड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, उन्होंने बेवकूफ़ों ने वो रेडार ठीक नहीं किया, उसी के दौरान मैं स्नॉकल करता था जिसका रेडार ख़राब था। दूसरी जो सबसे बड़ी कामयाबी हुई, अभी भी ओपन सीक्रेट है, हम समझते थे कि उनके पीटीए क्लास जो
यहाँ से पेटे क्लास, उनका सोना खराब हो जाता है ऐसा लगता था, वो नहीं था। हमें पता ये लगा कि वो सोनर एक्टिव पिंक करते हैं और पिंक करके वो सबमरीन को एक मौका देते हैं कि वो हाई स्पीड करें खुद, और अचानक उस पिंक को एक्टिव से पैसिव करके सुनते हैं ये न्यू टैक्टिक। तो ये सोना बेल्ट नहीं था तो हमें इसका बड़ा फायदा हुआ, इन दो चीज़ों का तो बहुत फायदा हुआ। फिर ये था कि अगर आप बॉटम के नज़दीक चले जाएं तो सोना का इतना इफेक्ट नहीं होता, वो स्कैटर हो जाए। तीन चार एडवांटेज मुझे मिले जो कि मैंने वॉर में नेक्स्ट टाइम इन देखिए वहाँ एरिया में थे। दो तीन दिन के बाद मेरा एयर कंडीशनर का एक सर्कुलेटर सी वाटर सर्कुलेटर पंप होता है उसकी बेरिंग खराब हो टूट ब्रेक डाउन, तो फिर हम एक सेफ जगह चले गए सेफ वाटर जो कि ठीक नहीं होगा बताना कहाँ गए, और हमने अपने आप को फिशिंग बोट रिग कर लिया। बाहर भी लाइट लगा दी इधर भी लाइट लगा दी, काली काली तो होती हैं, और अपने आप को टिल्ट कर लिया टेस्ट कर लिया। वो बाहर आ गया, मैंने कहा चलो बच्चों जल्दी करो पानी नहीं आ, सी काम था, सी को हमने ऐसे रखा कि सी थोड़ी हवा थी तो दूसरी साइड में तो पानी अंदर आ जाता, तो हमारे जवानों ने बड़ी हिम्मत करके वो 12-13 घंटे में उसको चेंज कर, तो ऑफिसर वॉच जो ऊपर था सरफेस पे उसने कहा कैप्टन ऑन द ब्रिज, एंड इज अ कैप्टन ऑन द ब्रिज इट मींस इमरजेंसी। तो आई रश, आई वाज यंग एट दैट टाइम 35 ईयर ओल्ड फिट, और इट टुक मी जस्ट 2-3 सेकंड टू गेट टू द ब्रिज। लेकिन इसी दौरान में जो हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज थे बशीर साहब उनका नाम था, देखो ये क्या एफिशिएंसी है क्या जज्बा है, उसने भी सुना कैप्टन ऑन द ब्रिज, उसने इमीडिएटली आकर अपना रेडियो रिसीवर ऑन कर लिया। मैं आ ही रहा था, मैं जैसे ब्रिज पहुंचा मुझे कहता सर कंफर्म्ड वॉरशिप कॉलिंग कोस्टल कमांड नेट बॉम्बे, ऑफिसर द वॉच ने कहा सर परमिशन टू डाइव हमने छुपना, मैं चुप रहा। तो दोबारा फिर कहता है तीसरा उसने ऊंचा कहा, तो मैंने कहा नो, उसकी वजह वो हैरान, वजह यह है कि अगर मैं वो वॉरशिप में 2000 गज में हूँ, 2000 गज कुछ नहीं होता उसको भी डाउट है, अगर मैं डाइव कर जाऊंगा तो श्योर मैंने अपनी पोजीशन कंफर्म कर दी कि मैं सबमरीन हूं, ही विल फायर एट मी। अगर मैं नहीं करता तो 50% चांस तो है ना, अकल पे पर्दा पड़ जाएगा कि वो कहेगा नहीं है। दूसरा 50% ये है कि वाकई वो कहे नहीं सबमरीन है और वो फायर करे, तो अगर पहला गोला ही मुझे हिट करे तो देन ही इज अ बेटर मैन, पहला नॉर्मली करता नहीं है, तो चांस है मेरे पास ड्राइव करने का, मैंने रिस्क लिया। एंड आई बिलीव कि अगर आप रिस्क लें कैलकुलेटेड आपको उसका रिवार्ड मिलता है, आई सेड नो। तो वो 1000 गज तक आया फ्लैश लाइट ऐसे कि हम ऐसे घूमते रहे बाहर की लाइटें फिशिंग बोट, वही गॉट फूल्ड उसने समझा कि ये फिशिंग बोट है, वापस चला गया, हमने कोई ड्राइव शाइव नहीं। फिर हमारा रिपेयर हो गई जल्दी, हमने प्रॉपर कर गया, हम बॉम्बे वापस आ रहे थे। सेकंड और थर्ड दिसंबर की रात को उनका फ्लीट बॉम्बे से निकला, मेरे बिल्कुल रस्ते में जिधर था वहाँ से गुजर के गया, दो हैवी शिप थे मैसूर और टैंकर और बाकी 6 एस्कॉर्ट थी उनकी, और उनकी डायरेक्शन कराची थी। तो मैंने रेडियो सालन ब्रेक किया, अपने आप को रिस्क एक्सेप्ट किया फॉर द सेक ऑफ सर्विस, और उनको शॉर्ट कोड में बताया कि ये फ्लीट जो है ये है और इसका कोर्स 290 ये को याद बढ़ता है और कराची की तरफ आ रहा है, ये वही था जिन्होंने फिर ओसा लागू किया, वो पक्का गया और मेरे ऑलमोस्ट ऊपर से बन रहा। अब कुछ डिजर्शंस कुछ सिक्योरिटी लीक कुछ ऐसा इंडियंस को पता लग गया कि इस एरिया में अगस्त में भी सबमरीन थी अब भी है, तो इस एरिया को वो अवॉइड कर रहे थे, कोस्ट के साथ साथ जा रहे थे काठियावाड़ को सॉरी गुजरात कोस्ट के साथ भी वह उधर जा रहे। तो मैं 3-4 दिन रहा बड़ा फ्रस्ट्रेशन जहाज में देख ही नहीं वर्क अप, तो फिर मैंने मुझे पता था नेवी से परमिशन ली कि मैं नॉर्थ एरिया में तो मेरे जो गुजरात कोस्ट न्यू हेड के साथ उसमें चला गया। तो ये उस एरिया में ये कुकरी और किरपान ये
पेट्रोल कर रहे थे, तो 7 तारीख को भी हमने देखा कि ये बड़े शैलो वाटर में, 8 को भी देखा कि शैलो वाटर में, 9 को थोड़ा थोड़ा इधर आने शुरू हो गया। अब मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ, ये डीप डाइविंग सबमरीन ये शैलो वाटर में ऑपरेट नहीं करता, इसको कम से कम 70 to 100 meter डेप्थ चाहिए, कम से कम। जहाँ मैं वहाँ था 55 meters थी, और आइसोथर्मल मीन्स के पॉजिटिव है और आपने का डिटेक्ट होने का चांस, तो यू कॉन्ट टेक रिस्क, 50 बंदे की जान जो है अपनी डिसीजन पे है। तो हमने जितना रिस्क लेना था क्या, मैंने कहा 55 meter, 40 में 15 नीचे मैं कर लूँगा, 40 नीचे नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी एक मतलब है आदमी की जजमेंट होती है, विजडम होती है कि रिस्क लो, लक फेवर्स अ ब्रेव हू टेक कैलकुलेट रिस्क। अब रिस्क कैलकुलेट करके लें, बेवकूफ़ों की तरह लें। फिर उनकी किताबें भी आई हैं, तो मेरी ऑप्शन टीम ने, मैंने कहा यार जब भी मैं जाऊँ वो टर्न कर जाए, उनको चेस कर करके थक गए, फिर हम रुक गए। हमने कहा कि ये सर्च पैटर्न क्या कर रहे हैं, तो पता ये लगा उनके पास भी वही किताब है, ATP हमारे पास भी वही है, ये उनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि हम बेवकूफ़ थे, हम वही सर्च कर रहे थे ATP से जो पाकिस्तान के पास भी NATO की पब्लिकेशन। तो हमने कहा लिया कि ये रेक्टेंगुलर सर्च कर रहे हैं, तो मैंने अपनी बैटरी ज़ाया नहीं की, अपना स्टैमिना ज़ाया नहीं किया, मैं उस लेग को कैलकुलेट करके एक लेग पे आ गया, 55 meter डेप्थ थी। और जब ये जहाज़ आए मेरी तरफ ही आ रहे थे ना, मैं भागा नहीं, तो पहले मैंने किरपान पे टॉर्पेडो फायर किया, जबरदस्त डिस्टेंस। अब मैं उनकी वर्षन आपको बता रहा हूँ, उस वक्त हमने नहीं, उनकी वर्षन ये थी, अल्लाह जब अकल में पर्दा डाले तो डाल देता है, वो अगर मैंने पीछे से उनका फायर किया ना, अगर वो यूनिफॉक्सर एक होता है नॉइज़ मेकर, अगर उसने पीछे वो नॉइज़ मेकर ये ऐसे सबमरीन के पीछे लगाया होता, तो टॉर्पेडो नॉइज़ मेकर की तरफ जाता, ऐसे घूमता रहता और ख़त्म हो जाता। तो असली वजह ये थी कि यूनिफॉक्सर नहीं था वो सबमरीन, वो अपने सोनर के कोई ट्रायल कर रहे थे, डॉकयार्ड का बंदा जो था, तो फिर सब वो सीधा गया टॉर्पेडो, तो वो एक्सप्लोर हुआ, पीछे उसका मैगजीन होता है उसके पीछे एक्सप्लोर हुआ। तो अब उनकी किताबें भी पढ़ी हैं, वो कहते हैं 2 एक्सप्लोजन हुए, कोई 3 कहते 2, लेकिन 2 क्योंकि विदिन 2-3 seconds हुए, तो वो साउंड एनवलप से हमें एक ही सुना, लेकिन वो कहते हैं 2। तो हो सकता है कि पहले टॉर्पेडो एक्सप्लोड हुआ हो, फिर मैगजीन एक्सप्लोड हुआ हो, फिर रेडी यूज लॉकर ऊपर एक्सप्लोड हुआ, चेन रिएक्शन एक्सप्लोड हुआ, और टॉर्पेडो और शिप वो 120 seconds के नीचे, बिकॉज इट ब्रोक इट्स बैक, उसमें 50-60 tons था ना, एक्चुअली इट्स नॉट द टॉर्पेडो, द होल मैगजीन एक्सप्लोडेड। दिस जैसे एक्सप्लोजन हुआ, मेरे एक चीफ ही आ रहे थे बाद में लेफ्ट विंग बन गए वो शफीक, उन्होंने वो छोड़ा अपना क्या नाम ड्यूटी स्टेशन, और मुझे आगे कहते कंग्रेचुलेशन कैप्टन साहब, अपनी ड्यूटी। थर्ड टॉर्पेडो भी मैंने फायर किया था, 2 तो ये किए ना, थर्ड वो जो किरपान था उसको मैंने 2 किए, तो उसको पोजिशन मेरी पता लग गई, तो वो किरपान मुझे अटैक करने आया, तो सेल्फ डिफेंस में मैंने एक और फायर किया, तो फिर किरपान टर्न करके ज़िगज़ैग कर रहा था, तो ये टॉर्पेडो ने उसको हिट किया, डैमेज किया। अब सी काम है, मेरी बैटरी ख़त्म हो गई, मुझे स्नॉर्कल करना है। 5-6 घंटे था तो उनका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, उनका जहाज अगले दिन आया, 6 घंटे के बाद फिर उनके हवाई जहाज आने शुरू हो गए। तो मेरे लिए स्नॉर्कलिंग करके बैटरी चार्ज करना बहुत मुश्किल था। फिर अगले 3 दिन मोस्ट मिजरेबल टाइम माई लाइफ, क्योंकि वो सी काम था, उनको डेटम हमारा पता था कि इसने यही कराची की तरफ आना है, और स्पीड भी वो जज कर लेते हैं, तो वो इतना घेरा करके ठा ठा ठा, तो मैंने तो नहीं कहने, हमारे एक सेलर ने कहने के 156 डेप चार्ज हमारे ऊपर गया, पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि करीब 1000 गज से ज़्यादा नज़दीक नहीं आया, इट्स एक शू। तो अगर आप अनप्रडिक्टेबल हैं तो फिर आप जीत जाएंगे, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि इन्होंने तो प्रेडिक्ट कर लिया कि मैंने कराची जाना है, अब लेट मी मेक माई सेल्फ अनप्रडिक्टेबल, व्हाट डोंट दे एक्सपेक्ट मी टू डू। तो मैंने कोई ऐसी चीज की
कि जो वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे अपने आप को उनसे दूर करने की। 9 तारीख को तो मैंने मैसेज बनाया छोटा, जिसमें मैंने कहा देन एनकाउंटर्ड कि फायर 3 टॉर्पेडोज, 2 टॉर्पेडो टारगेट, 1 ऑन सेल्फ डिफेंस, स्कोर 1 पॉजिटिव हिट, कंसीडर शिप संक। तो जब ये कर लिया तो फिर उनको और मेरी पोजीशन बदल आ गई, वो फिर थोड़ी देर से मिला। वो मैसेज जो है वो मेरे सामने रखा हुआ है, जो मैंने मैसेज बनाया था अभी डीक्लासीफाई हो गया। फिर एक किताब इयान वैलेंटाइन ने लिखी है, वो किताब मेरे पास पढ़ी है, मैंने आपको भेजा था कि इट इज एंड फॉर दैट आई थिंक नेवी एंड द कंट्री शुड फील प्राउड, कि ये पहला जहाज दूसरी जंग अजीम के बाद एक सबमरीन एक्शन से डूबा। दूसरा 81 में था फॉकलैंड वॉर में, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन ने डुबोया था बेलग्रानो अर्जेंटीना का, लेकिन डीजल सबमरीन का ये पहला था और एनी सबमरीन का पहला था वॉर के बाद जो डूबा गया था। ये हमें फख्र है और ये इयान वैलेंटाइन ने अपनी रिसर्च के बाद इसको लिखा। मैंने तो उसको मेरा इंटरव्यू करा, उसने कहा था जी मैं वही लोग हैं जी लिखे आज कल, तो उसने लिखा बिल्कुल ठीक किया। और ये एस्केप भी आई थिंक इज ए ग्रेट एस्केप बिकॉज इट्स वेरी डिमोरलाइजिंग, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि 3 दिन आप करते हैं स्नॉर्कल कर नहीं जाते, बैटरी डाउन हो रही है, डेप्थ चार्ज पड़ रहे हैं, तो इससे लीडरशिप और तब मेरा क्रू की आई थिंक फेथ अल्लाह ताला में और फिर हमारी अपनी कमाने के अवसर में हमारे अफसर ने मैन में दे स्टूड वेल। मैं हमेशा करता हूँ इट्स ए टीम एफर्ट।